क्रिकेट फ्रेंड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सुपर सिक्स का आज 9th मैच था, जो कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। रोमांच से भरे इस मैच में श्रीलंका वेस्ट इंडीज के ऊपर काबिज होती दिखाई दी। मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका का यह फैसला श्रीलंका के लिए बहुत ही सही साबित हुआ। श्रीलंका के गेंदबाज भी अपने कप्तान के इस फैसले पर सही उतरते नजर आए। यह मैच हरारे के स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया, जिसमें शुरुआती कुछ ओवरों में ही श्रीलंका के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को घुटनों पर टिका दिया। वेस्टइंडीज के शुरुआती 5 विकेट मात्र 81 रन पर ढेर हो गए। श्रीलंका की ओर से महेश तिक्सना ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। वेस्टइंडीज की ओर से कैसी कार्टी ने सबसे ज़्यादा 87 रन बनाए। उसके बाद जोनाथन चार्ल्स ने 39 रन का योगदान दिया। मात्र 81 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद वेस्टइंडीज की टीम 10 विकेट पर 233 रन ही बना पाई। जवाब में श्रीलंका की टीम जब ओपनिंग करने उतरी तो श्रीलंका के ओपनरों ने ही वेस्टइंडीज को पूरा मैच हरा दिया। श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार 190 रन बनाए, जिसमें पथुम निशांका ने 113 गेंदों पर 104 रन बनाए और जिसमें उनके 14 चौके शामिल थे। वहीं उनका साथ दे रहे करुणा रत्ने ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 83 रन बनाए, जिसमें उनके 7 चौके शामिल रहे। वेस्टइंडीज का प्रदर्शन श्रीलंका के सामने इस मैच में बहुत अच्छा नहीं रहा। वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज श्रीलंका के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाया। श्रीलंका के कप्तान को श्रीलंका की बैटिंग और बॉलिंग किसी ने भी निराश नहीं किया। कुल मिलाकर श्रीलंका ने यह मैच 44.2 ओवर में 8 विकेट से जीत लिया। क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज़ को पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।